नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक साइबर फ्रॉड ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया, मुझसे 6,000 रूपए ठग लिए। जैसा कि मैं पहले से जानता था कि किसी को अपना OTP शेयर नहीं करनी है, किसी को अपना पिन शेयर नहीं करना है, किसी के बारकोड को स्कैन करके कोई भी अमाउंट नहीं मंगाना है, क्योंकि अगर किसी को पेमेंट भेजना है तो आपका बारकोड लेगा ना कि अपना भेजेगा। लेकिन उस साइबर फ्रॉड ने मुझे इस तरीके से अपने विश्वास में लिया कि मैं ना चाहते हुए वो सब करने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों मैं उसकी आपको बात सुनाना चाहता हूँ, मेरी किस तरीके उससे बात हुई और किस तरीके उसने मुझे अपने विश्वास में लिया और जिससे मेरा 6,000 का नुकसान हो गया। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें, लेकिन अगर आपके पास वीडियो पूरा देखने का टाइम नहीं है तो आखिरी अगर 3 या 4 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो उसमें पूरी बात पता चल जाएगी। लेकिन आप साइबर फ्रॉड के साथ मेरी बात सुनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो का आखिरी। हेलो, हाँ बोल रहे हैं। मनोज जगन्नाथ बात कर रहा हूँ भाई, इंडियन आर्मी से। ओलेक्स में हाउस है ना रेंट के लिए जी, तो अवेलेबल है या रेंट आउट हो गया है सर? हाँ नहीं, अभी तो अवेलेबल है, मैं क्वारी का जवाब दे रहा था अभी, तो मैंने रेट देने के बाद देखा है अभी पहली बात तो। यस यस यस। इसका फाइनल रेंट सर हमें 6,000 है। ये किसके लिए चाहिए आपको? एक्चुअली माई 3 मेंबर का फैमिली है सर, मैं और मेरा मिसेज और एक मेरा डॉटर है, 3 एज का ना। हाँ हाँ, मैं इस समय पे जिस टाइम मुंबई है, मुंबई से हमारी ट्रांसफर आ रहा है, मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ जी। यहाँ तो आपको सैनिक कॉलोनी में तो मिल जाएगा ना ऑफिस वगैरह? एक्चुअली क्या है कि मेरे को मिलता है, बट एक्चुअली मेरे को फैमिली परमिशन नहीं करता है ना उधर पे। अच्छा 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 अच्छा। मैं अगर आप देखिए आपको अलाउड है, अगर आपका फैमिली से अच्छे से नहीं रह पाता है तो आप तो नहीं होगा ना वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों का सुचित का बात देखा जाता है। अब मैं अपना सुख में रह गया तो फैमिली थोड़ा दुख में रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आदमी मेहनत इसलिए करता है, कहीं बाहर इसलिए निकलता है कि फैमिली सुखी रहे। बिल्कुल मेरे को तो मिलता है, वैसे भी आर्मी का क्वार्टर वगैरह मिलता है ना। जी जी जी। बट एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता, अगर मैं क्वार्टर नहीं ले गया तो मेरे को क्वार्टर का पेमेंट मिल जाएगा सर। तो अभी आप ट्रांसफर होकर यहीं आ रहे हैं सयापुर? हाँ, ये अपना कैंटीन पे हमारी पोस्टेड आ रहा है। ठीक है, तो आप छह लोग फैमिली है ना? या माय 3 मेंबर का फैमिली है, मैं और मेरा मिसेज और एक मेरा डॉटर है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप रूम दो रूम का सेट है हमारा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। एक कमरा तो 20x10 फुट का है। ओके। और एक कमरा 10x10 फुट का है, एक किचन है 6x10 फुट का। ओके। और लैट्रिन बाथरूम पर सेपरेट आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए एक बार के लिए। सर मैं व्हाट्सएप में हाई सेंड करता, आप मेरे घर का फोटो सेंड कीजिएगा, मैं मैसेज को एक बार चेक करा के कंफर्म बताता। ओके हाँ बिल्कुल, और बाकी देखने पे ही मालूम पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा देखने के लिए नहीं आएगा ना। हाँ बिल्कुल, फोटो से आइडिया मिल जाएगा आपको भी। हाँ ठीक है, मैं एक बार आपको व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजता हूँ, एक बार आप घर का फोटो सेंड कीजिएगा। ठीक है जी जी जी, ठीक है। जय हिंद सर। ओके ओके, जय हिंद। हेलो हेलो, या जय हिंद राजे जी। जी बताएं। हाँ मनोज बात कर रहा हूँ अभी, अदरवाइज अभी बात हुआ था आपसे। हाँ, आपका नंबर मैं सेव कर लिया है टेम्परेरी के लिए। हाँ जी, दो इशू एक्चुअली क्या है क्या, वो अभी फैमिली ओके बोले थे वो घर के लिए। उन्होंने बोला है अच्छा घर है, एक बार मैं फाइनल है। हाँ एक बार देख भी ले फिजिकल, फिर उसका फाइनल करें यहाँ पर आके। क्योंकि हम लोग देखने के, हाँ मेरा बात सुनिएगा सर, देखने का आपको भी मालूम है, मैं समय पीछे टाइम मुंबई है। अभी जस्ट मैं बच्ची का फोन कटा था, बच्ची बोल रही थी मैं अभी ड्यूटी पे हूँ ना इसलिए। तो बच्ची ने बोला है क्या, पापा जो आपने अभी अंकल का घर देखा है एकदम अच्छा है, मेरी तरफ से उनको एक बार थैंक यू बोलने का है। बच्ची अभी बोल, अभी अभी उन्होंने ये बताया था ना जी, उसी देखिए आपको भी मालूम है, अगर आप बच्चे लोगों की बात करें, बात मानेंगे तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा। नहीं वो की बात सही है आपकी, फोटो से आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जब आप फिजिकल देखेंगे आके तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 के साइड में है। कैसा बात कर रहे हो, एक मिनट मेरा बात सुनिए सर, अगर हम आप लोगों के ऊपर ही बिलीव नहीं करेंगे तो हम किसके ऊपर बिलीव करेंगे, आप ये बताइए जी। नहीं ये फोटो में जो चीज है वो सब एक्यूरेट है। और हाँ अभी अभी जस्ट नाउ जो आपने फोटो डाला है सेम ही तो है ना घर? हाँ बिल्कुल सेम है, हो सकता है आपको आने में दिक्कत हो या कुछ हो, तो इसलिए फिर दिखा जरूरी है। वो मेरा गारंटी है, मैं 25 तारीख को आएगा व्हाट्सएप में, मैं आपको ना अपना ID प्रूफ डॉक्यूमेंट भेजा देता है, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है? नहीं नहीं उसकी कोई बात नहीं, जब आप आएंगे तो उसी समय हो जाएगा सब।
लेकिन 26 से काफी दूर पड़ रहा है सर जी। देखिए मेरे को फाइनल है, मैं आपको एडवांस पेमेंट ट्रांसफर करके मेरे को तो बुकिंग हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो हो ही जाएगा। हाँ वो 26 आप अगले महीने आएंगे? नहीं इसी मंथ को 25 तो आज 17 तो हो ही गई है। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप में मैंने आपको ना अपना आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट भेजा है, एक बार चेक कर लीजिएगा राजेश सर, ठीक है? आपने मेरा नंबर सेव करके रखा है ना? एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा और मेरे को व्हाट्सएप में आप अपना होनर नेम प्रॉपर्टी एड्रेस भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके जी जी ओके, जय हिंद सर। ठीक जय हिंद। माई नंबर सेव कर लीजिए सर प्लीज, ओके? हाँ नंबर सेव कर लिया है आपका। हाँ व्हाट्सएप में आप मेरे को अपना होनर नेम प्रॉपर्टी एड्रेस भेजा दीजिए, ठीक है? ठीक 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 है, ओके जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो, मैं कह रहा हूँ आप कब से आना हो गया आपको? 25 को 25 बताया था ना मैं आपको। हाँ हाँ 25 को आना है, तो देखिए मैंने ऊपर का पोर्शन, मैं फिर भी एक बार आपसे बात कर लूँ अपना गूगल पे नंबर देने से पहले। मेरा ये ऊपर का पोर्शन है और नीचे हम लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं, 15 साल का 13 साल का दो बच्चे हैं हमारे। नीचे हम लोग रहते हैं, ऊपर आप लोग। अगर कोई गाड़ी वगैरह आपके पास है, मोटरसाइकिल है तो नीचे खड़ी, हाँ टू व्हीलर है तो नीचे खड़ी हो जाएगी। और टू व्हीलर है ना, तो मेरे को तो एक्चुअली आपको मालूम है आर्मी का पर्सनल गाड़ी लेने के लिए आएगा। और दूसरा आपको लोकेशन का अगर मैं बताऊँ तो रेलवे स्टेशन सयापुर जो पड़ता है, आपका कैंटोनमेंट जो पड़ता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड में, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा उधर से। सर जी वो तो आप मेरे को बताने से कोई जरूरत ही मत लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैप में देख लिया हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो क्योंकि जो हमारे मकान है ना, मैं बता रहा हूँ, जो आपको क्रॉसिंग पार्क करके जाना होगा, कहीं आने में दिक्कत ना हो, तो हर चीज आपको समझा बता दूँ आपको जी। 2.3 मीटर की दूरी पे है, रेलवे का एक पुल पार करके निकलना पड़ता है, 2.3 किलोमीटर है आपका कंटोनमेंट। हमारे बच्चे भी कंटोनमेंट में ही पड़ती है, केबी में, केबी मन में ही पड़ती है। ओके सर, नो इशू। व्हाट्सएप में आप मेरे को एक बार गूगल पे नंबर भेजा दीजिएगा, मैं फाइनल है, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं 25 से आपको जोड़ू इसको आने के लिए पूरा कन्फर्म। 25 को मैं अच्छे से कंफर्म है सर, ठीक का एक जवान होता है राजू। अच्छा अच्छा ठीक है, तो देखिए ये तो किराया आपको मैंने बता दिया 6,000 रुपए था, और जो भी आप लाइट खर्च करेंगे उसका मीटर अलग से लगा हुआ है, तो उसमें मीटर में जो भी यूनिट आएगा वो आपको देना होगा, लगभग मान के लिए आपको 7 रुपए यूनिट पड़ जाएगा। ओके नो इशू राजेश जी, मैं व्हाट्सएप में एक बार गूगल पे नंबर भेजा दीजिए। अच्छा तो मैं भेजवाता हूँ, ठीक है? तो आप पूरा रेंट, हाँ ये मेरा ही घर है एक्चुअली, मेरे पिताजी का नाम था, मेरे पिताजी जी। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, ये गूगल पे आपका है या किसी दूसरे का है? ये गूगल पे है, इस नंबर पे मेरा ही है, लेकिन आप इस नंबर पे ना कीजिए, मैं दूसरा नंबर आपको दे रहा हूँ। अगर फोन पे वगैरह कर सकते हैं आप तो फोन पे कर दीजिए, मैं दूसरा नंबर आपको दे रहा हूँ। जो भी आप चलाते हो राजेश भैया, अच्छा मैं ये नंबर चलाता हूँ, आज मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ, आप इसी नंबर पे गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है? एक बार यही नंबर मेरे को व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ठीक है? ठीक, मैं यही नंबर भेज दे रहा हूँ जिससे आपसे बात हो रही है, यही नंबर है मेरा, ठीक है? व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ठीक है? ठीक ठीक ठीक, ओके जय हिंद सर। हेलो, हाँ जी सर, सर मैं ये कह रहा था अभी, हाँ मैं कर रहा हूँ आपका नंबर, अपनी मेरी बाइक से काफी, मैंने यही नंबर आपका चेक किया, राजेश कुमार शर्मा के नाम से आ रहा है। जी 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 बिल्कुल, आपका ही है ना सर? हाँ मेरा ही है यही नंबर। फोन पे वगैरह भी है आपके पास या ओनली गूगल पे? मेरा इस नंबर पे तो गूगल पे है, और एक मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें फोन पे भी है, पेटीएम भी है। ओके ओके, मैं फर्स्ट आपको गूगल पे में 1 रुपया भेजा देता है, राइट? हाँ ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ आपको, ठीक है? सही रहेगा, लाइन में रही एक्चुअली, मैं आर्मी स्वाइप मशीन से भेज रहा हूँ राजेश। ठीक ठीक, मैं एक सेकंड, हाँ अभी आ रही हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आप घर में हो या मतलब बाहर में हो? मैं घर पे ही हूँ इस समय। अच्छा घर पे तो कोई बात नहीं है, एक मिनट आपका, एक सेकंड राजेश जी, व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा। हाँ व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ। आर्मी स्वाइप मशीन का स्कैन चेक आया होगा जी,
हाँ, इसको आप अपना गूगल पे में स्कैन करके रिसीव करना है सर। अच्छा अच्छा जी, गूगल पे इसी फोन में है ना? गूगल पे नंबर गूगल पे मेरा इसी पे है। ओके, आप अपना गूगल पे ओपन कीजिएगा। ठीक ठीक ठीक। फर्स्ट में राजेश जी, आप अपना पुराना बैलेंस चेक कर लीजिएगा। अभी एक सेकंड। हाँ, वो एक नहीं, इसमें ज्यादा पैसा है भी नहीं, 300-400 रुपए है केवल। ओके, कोई बात नहीं। अभी अभी आप अपना गूगल पे ओपन कीजिए, अभी चेक कर लेना अपने पुराना बैलेंस। हाँ, अभी एक सेकंड, एक सेकंड चेक कर लो, थोड़ा उसमें बेटर रहेगा ना आपको, क्योंकि 1 रुपया आपको क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ सर। लास्ट की संख्या ख्याल में रखो, जैसे आपका लास्ट की संख्या 1 है तो 2 हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे को तो राजेश जी कोई बताने का जरूरत भी नहीं है। राजेश जी, हाँ बाबा, एक सेकंड, मैं गूगल पे ही खोल रहा था। मैं फोन पे भी आपका इसी फोन में है क्या? नहीं, फोन पे मेरा इस नंबर पे नहीं चलता है, ये गूगल पे चलता है, इसी नंबर पे गूगल पे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो आपका दूसरा नंबर है वो फोन पे भी इसी फोन में या दूसरा फोन में? फोन पे नंबर मेरा दूसरे फोन पे है। वो आपके पास नहीं है क्या? मेरा दूसरा नंबर अलग ही है। हाँ, वो भी है। ओके, वही नंबर बोल दीजिए ना, मैं फोन पे में ही डाल देगा आपको, बेटर रहेगा। हाँ चलिए, मैं फोन पे कर दे रहा हूँ, एक मिनट के लिए नंबर आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। हाँ, वही राजेश कुमार शर्मा के नाम से जी। हाँ, पहले 1 रुपए भेज के देखिए। क्या जी? पहले 1 रुपए ही भेजिएगा। हाँ, अभी वो आपका फोन पे ओपन कीजिएगा, वो दूसरा फोन में या इसी फोन में? फोन पे, इसी फोन पे है। ओके, आपका फोन पे ओपन कीजिएगा। हाँ, ओपन कर लिया है, और एक सेकंड। फोन पे ओपन करने के बाद में ऊपर देखिएगा, स्कैन जो आ रहा होगा छोटा सा बेल आइकन घंटे के बाजू में। हाँ, आ रहा है स्कैन का। हाँ, उस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब बाकी आपका जो स्कैन आया है मैं ले रहा हूँ। हाँ, अभी स्कैन कर लिया ना? हाँ, आ गया। हाँ, क्या नेम आ रहा है? उषा के नाम से आ रहा है। यस, एंट्री अमाउंट आ रहा है ना, 1 रुपीज एंटर कीजिएगा। 1 रुपीज एंटर कीजिएगा, एंट्री अमाउंट आ रहा है ना? हाँ, 1 रुपीज एंटर किया सर। हाँ, कर दिया। राजेश जी, 1 रुपीज एंटर किया आपने? हाँ, कर दिया। हाँ, पे ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, अभी पिन डाल के ओके किया। हाँ, पिन डाला। नहीं, मैं तो पेमेंट तो ना कर रहा हूँ आपको ना। नहीं राजेश जी, 1 रुपीज कन्फर्मेशन के लिए। तो वो आप भी कर सकते हो ना इधर से? जी, मेरे पास एक गूगल पे पेटीएम नहीं, मैं आर्मी स्वाइप मशीन से डाल रहा हूँ। वो चेक से आपके अकाउंट को, चेक से आपके अकाउंट को 1 रुपीज जमा होगा सर। अच्छा, अभी अभी 1 रुपीज एंटर किया आपने? हाँ, एक 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 मिनट। आपको ही क्रेडिट होगा राजेश भाई, वो मेरे को नहीं होगा। अभी आप अपना ओल्ड बैलेंस चेक करके रखिए फर्स्ट में, मैं उसी लिए तो बोल रहा हूँ आपको। ओपन किया? हाँ, ओपन हो गया गूगल पे स्कैन का, और आपको अभी गूगल पे ओपन किया आपने? हाँ, एक सेकंड, गूगल पे ओपन कर लिया। और स्कैन के बारे में क्लिक कर लीजिए। एक रुपए कर दिया, और आपको मैं इससे 1 रुपए भेज रहा हूँ। अभी 1 रुपीज एंटर किया सर आपने? हाँ, 1 रुपए करके पे ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। पे ऑप्शन क्लिक किया, पे ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने। अभी एक मिनट, स्कैन क्यूआर कोड फिर से मांग रहा हूँ, एरर आ रहा है। अभी पिन डाल के ओके किया तो क्या आ रहा है? अभी रुकिए, पिन डाल के ओके किया आपने, फेल्ड हो गया है क्या? हाँ, फेल्ड हो गया आपका। तो फेल्ड होके जमा होता है राजेश भाई, आप अपना चेक बैलेंस कर लीजिएगा, 1 रुपीज आपको क्रेडिट हो गया होगा। आर्मी स्वाइप मशीन से फेल्ड होके जमा होता है, अकाउंट बैलेंस चेक कर लीजिएगा आप अपना। एक सेकंड, अकाउंट का इसमें लिखा है योर मनी विल बी रिफंडेड द बैंक में। वही सेम आता है राजेश भाई, आप अपना चेक बैलेंस कर लीजिएगा आप। अच्छा, मैं पहले चेक कर लेता हूँ चेक बैलेंस में, आपको 1 रुपीज क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ आप वो देखिए। ओनली फोर, हाँ इसमें आया है, इसमें आया 1 रुपए क्रेडिट। हाँ, 1 रुपीज क्रेडिट आया होगा सर। हाँ, आ गया, मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है, पंकज कुमार के नेम से। इसमें आया पेटीएम आर्मी स्वैप मशीन अवेलेबल बैलेंस
अवेलेबल बैलेंस भी आ गया है लिखकर, आर्मी स्वाइप मशीन करके 1 रुपीज जमा हुआ ना। हाँ सब, हाँ 1 रुपए जमा हुआ है। वही सर मैं आर्मी स्वाइप मशीन मर्चेंट अकाउंट से डाल रहा हूँ। अच्छा ओके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ना, क्योंकि ये प्रोसेस जो आपने बताया था उसमें हम लोग पैसे भेजते हैं। अच्छा एक्चुअली आपको अभी कंफर्मेशन हो गया ना। हाँ 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 ठीक है, आ गया। आपको ये लग रहा था उसमें डाल रहा हूँ 1 रुपया? नहीं नहीं, एक मैंने इसमें यूट्यूब पे इसी टॉपिक वीडियो बनाया हुआ था, क्योंकि अच्छा। वो अलग तरीके की चीज थी, उसमें मतलब कि पेमेंट आने बजाय पेमेंट जाता था। अरे सर जी जी जी, कोई मतलब कि ऐसा भी कोई करेगा क्या आर्मी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चलिए हो गया ये। मतलब कि आपके पास मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है सर? हाँ, इसमें आ गया 1 रुपया आपका अकाउंट नंबर, UPI भी आ गया आपका नंबर पढ़ के, 16 सितंबर को आया है, उसमें पूरा डिटेल आ गया होगा, ऊपर साइड आर्मी स्वाइप मशीन भी लिखा आया होगा। हाँ पूरा आ गया, पेटीएम / आर्मी स्वाइप मशीन अवेलेबल बैलेंस भी आ गया। हाँ अभी कितना डालना है? 6000 इसमें, अगर आपको अगर आप डाल रहे हैं 6000 रुपए तो 25 से ये वो काउंट होगा अभी से। अभी 6000 डालना है ना आपको? जी 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 जी। अभी व्हाट्सएप ओपन कीजिएगा आपका सर, ये 1 रुपीज वाला निकाल लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, आ गया, व्हाट्सएप ने ओपन कर लिया। हाँ आर्मी स्वाइप मशीन का स्कैन चेक मिला होगा न्यू वाला। हाँ इसको अपना कोई दूसरा फोन में फोटो लेके फिर अपना गूगल पे में स्कैन कीजिएगा। गूगल पे में स्कैन, इससे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा? डायरेक्ट नहीं होगा ना सर, वो 6000 वाला अमाउंट। दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। आपके आपके पास कोई दूसरा फोन नहीं है क्या? एक मिनट, है तो एंड्रॉइड, उसमें आप गूगल पे पेटीएम हो या ना हो, कोई दूसरा फोन हो आपके पास? हाँ मैं भेज रहा हूँ। चलिए एक मिनट, किसका नंबर है वो? मेरा ही नंबर है। हाँ वो आपका जो दूसरा फोन पे वाला नंबर है उसमें भेज दीजिए ना आप इसको। 916 नहीं, उस पर कोई मेरा चलता नहीं है दूसरा। रुके मैं करता हूँ। 85 वो तो आप मतलब कि आपका जो दूसरे पहले आपने नंबर बताया था उसी में लेन देन करते हो आप? फोन क्या जी? एक सेकंड, पहले तो मैं इसको दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप खोल लूँ ना मैं। अच्छा अच्छा, हाँ अभी आप इसको फोन पे से कर रहे हो या गूगल पे से कर रहे हो? गूगल पे से। अभी फॉरवर्ड कर लेना राजेश जी। हाँ अभी अपना गूगल पे ओपन कीजिएगा। गूगल पे ओपन कर लिया। हाँ ऊपर देखिए स्कैन QR में क्लिक कीजिएगा। हाँ कर लिया। हाँ अभी वो आपका कैमरा चालू हो गया ना? हाँ कैमरा चालू हो गया। हाँ जो अभी आपने दूसरा फोन में फोटो लिया उसको कैमरे के नीचे रख लीजिएगा। हाँ रख लिया। हाँ रख लिया ना? अभी रख लिया तो अभी देखिए स्कैन हो गया ना? हाँ स्कैन हो गया, इसमें आ गया। जीरो अमाउंट आ रहा है ना सर राजीव जी? हाँ हाँ 6000 एंटर कर लीजिएगा। हाँ पे ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। पिन डालो, ओके करो। पिन डाला? पिन हाँ डालो। ओके किया। एक सेकंड पिन डाल के ओके किया राजेश जी? एक सेकंड हो रहा है थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है क्या? हाँ थोड़ा नेट स्लो आता है कभी कभी। अच्छा इससे मेरा रहता है ना। अभी भी क्या प्रोसेसिंग हो रहा है क्या? नहीं हो गया, इसमें भी आ गया, डिसमिस आ गया। फेल्ड हो गया है क्या? इसमें डिसमिस हो गया, योर बैंक अकाउंट डज नॉट हैव एनफ बैलेंस चेक। इसमें आप एक बार चेक बैलेंस कीजिएगा तो आपको क्रेडिट हो गया होगा सर। बैलेंस चेक किया? बैलेंस चेक करना है, चेक कर लीजिए। आपको शायद आ गया होगा तो फेल्ड होके वो आ गया होगा, जैसे 1 रुपया आया हो तो। अभी तो 1 रुपये वाला मैसेज ही आया हुआ है। नहीं वो आएगा राजेश जी? नहीं, इसमें तो अभी 1 रुपये वाला बैलेंस आया है।
शायद बीच में दिक्कत आ रहा हो, कोई आप अपना पेटीएम से रिसीव कर लीजिए ना इसको। अभी दूसरा अमाउंट नहीं आ रहा है इसमें, आप अपना पेटीएम से रिसीव कर लीजिए ना। एक्चुअली क्या है, आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिएगा, इधर से मैं ऑलरेडी 6000 डेबिट कर दें सर, स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने आपको। एक सेकंड इसमें पेटीएम, ये तो पेटीएम पे आया है कुछ आपका, वो पेटीएम में जैसे 1 रुपया आया था वही सेम आएगा, पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेसिंग है राजेश जी। मैं पेटीएम, हाँ एक बार पेटीएम से ट्राई कीजिएगा आप इसको। पेटीएम तो हमारे दूसरे नंबर पे है, लेकिन उस पे अभी इनकमिंग वगैरह नहीं है, फिर हमें भी इनकमिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। इनकमिंग आप उसमें रिचार्ज कर लीजिए ना। अभी पेटीएम ओपन किया रहा है? हाँ पेटीएम ओपन किया हुआ है। हाँ वो दूसरा फोन में है ना पेटीएम? पेटीएम मेरा इसी फोन में ही है। ओके अभी पेटीएम ओपन किया तो नीचे देखिए स्कैन एंड QR आ रहा है ना। स्कैन एंड QR, हाँ स्कैन एंड पे आ रहा है। हाँ स्कैन एंड पे में क्लिक कर लीजिएगा। अभी अभी आपका कैमरा चालू हो गया होगा। हाँ सेम उसको स्कैन कर लीजिएगा जैसे अभी आपने 1 रुपीज किया है। स्कैन हो गया। एक सेकंड, जो आपने लास्ट वाला स्कैन भेजा था? हाँ ये अभी अभी वाला भेजा था जो मैंने। चलिए जिसमें मैंने अभी दूसरे नंबर ट्रांसफर किया था। हाँ दोबारा इसे भी मैंने भेज दिया, एक बार व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। एक सेकंड, अभी स्कैन हो गया ना? नहीं अभी नहीं, अभी फिर से मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ। हाँ ये पंकज कुमार से लेके आ रहा है कुछ। हाँ स्कैन हो गया ना अभी? हाँ 6000 एंटर कर लीजिएगा। हाँ पे ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। पे ऑप्शन क्लिक कर लिया। हाँ पिंडाला ओके करो, फिर अपना चेक बैलेंस कीजिए। पिंडाला पिंडाल के ओके किया राजेश जी? पिंडाला पिन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा अभी तो। एक सेकंड क्या आ रहा है? ये वेरीफाई नंबर ही मांग रहा है। वेरीफाई नंबर मांग रहा है क्या? आप आर्मी सेम बसिंग में दिक्कत आ रही है, आप डायरेक्ट ही मतलब उसपे कर सकते हो गूगल वगैरह। एक्चुअली ऑलरेडी मैं लोड मनी कर दिया, उसमें दिक्कत नहीं आ रहा है। आप एक सेकंड सर से बात कीजिए प्लीज। जिसमें पेटीएम वगैरह पड़ा हुआ है वो नंबर हमारा एक्टिवेट नहीं है ना, उसमें व्हाट्सएप चल रहा है केवल। आप एक सेकंड सर से बात कीजिएगा प्लीज। हेलो जैन सर। जैन सर हाँ, क्या रीजन? पेटीएम में आ नहीं रहा है। पेटीएम में मतलब फोन को चार्ज वगैरह मांग रहा है ना, वो करेगी आप उसका ऑप्शन। फोन पे है क्या आपका? हमारा फोन पे जो पेटीएम है वो मोबाइल जिस पे है वो मोबाइल अभी से में उसका एक्टिवेट नहीं है, व्हाट्सएप चल रहा है केवल उस पे। नहीं सर मैं ये बोल रहा है, आपका फोन पे पहले बना हुआ है ना? फोन पे? हाँ फोन पे तो बना हुआ है। अच्छा एक बार फोन पे में चेक बैलेंस करो आप अपने में। अभी रुकिए फोन पे में चेक बैलेंस करता हूँ। चेक बैलेंस हो रहा है फोन पे में भी? अभी रुकिए फोन पे पे चेक बैलेंस का ऑप्शन है। मैं सीधे बैंक इस पे चेक बैलेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है, एक में मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा फोन पे फिर देखना पड़ेगा। हाँ रिचार्ज कर लो ना आप उस सिम को। हाँ चलिए मैं करता हूँ इसको फोन काट के। एक्चुअली ऑल कॉल रिकॉर्ड है ना सर, वो राजेश जी आपको लाइन पे रहना पड़ेगा, ये रीजन है। अच्छा एक मिनट। आपका गूगल पे एक अकाउंट लिंक है या दो अकाउंट लिंक है? मेरा गूगल पे अलग नंबर पे चल रहा है और फोन पे अलग नंबर। गूगल पे तो कहते हैं बैलेंस है, रिचार्ज भी है।
नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ वो गूगल पे से एक अकाउंट लिंक है या दो अकाउंट लिंक है राजेश? गूगल पे से मेरा एक ही अकाउंट लिंक है, इसी नंबर जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और फोन पे से दूसरा अकाउंट लिंक है ना? फोन पे से दूसरा अकाउंट है, तो चेक कर लो ना दादा सर वो राजेश जी। अभी रुके फोन पे पे जा रहा हूँ फिर दोबारा। वेरीफाई वो रिचार्ज कर लिया क्या आपने? हाँ उसका रिचार्ज तो हो गया है, रिचार्ज तो कर दिया है लेकिन उसमें बैलेंस अभी शो नहीं कर रहा है फोन पे पे। फोन पे हमें लगता है दूसरा मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ेगा, तो दूसरा सिम का ही फोन पे वाला आएगा मेरा। अच्छा और दूसरा फोन पे है क्या आपके पास में? फोन पे भी नहीं, दूसरे नंबर पे है ना? हाँ तो वो अभी उसमें लगता है जिस सिम डबल सिम होता है ना, सिम एक सिम पड़ा हुआ है, एक तो चल रहा है इससे बात कर रहा हूँ, दूसरे सिम का लगता है उसके सिग्नल लाने के लिए हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो सही बात है, वो तो रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। नहीं रिचार्ज तो कर दिया, अब सेट को रिचार्ज करना पड़ेगा। इसको अब हमने मोबाइल सेट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना, है ना? हाँ। आपका वो सिम इसी फोन में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ या दूसरे फोन में? हाँ फोन इसी पे ही। अच्छा इसी फोन में है ना वो सिम? हाँ तो ठीक है, वो दूसरा नंबर बोल दो, मैं उस नंबर पे कॉल कर देगा आपको। आपको मैं गूगल पे नंबर दूंगा या फोन पे नंबर दूं? एक बार वो गूगल पे वाले नंबर बोल दो, उस पर मैं कॉल कर देगा आपको। हाँ ठीक है, 81750 81750 जो अच्छा ठीक है, इस नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ आपको, आप फिर देखो आपस में। हेलो हेलो, अरे फोन पे खोलता हूँ एक मिनट, रिचार्ज एक सेकंड में थोड़ा सा फोन का वेरिफिकेशन हो जाए फोन पे। आपका नया टोन नहीं है शायद। जब मेरे का कॉल आती है तो सिग्नल गायब हो जाते हैं यहाँ से। डाटा ऑन नहीं है आपका? डाटा ऑन नहीं है आपका? डाटा भी ऑन है मेरा। एक सेकंड में कॉल कट कर देता, फिर चेक कर लो आप, है ना? फिर मेरे कॉल करो आप। हेलो। हाँ जी जी। हेलो। हाँ राजेश जी, फोन पे का ये फोन पे भी ये जो है ना वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। वी कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजन, प्लीज ट्राई आफ्टर 24 आवर। अच्छा ऐसा आ रहा है क्या? हाँ तो हाँ सिक्योरिटी प्रोसेस से बार बार मैं खोल रहा था बंद कर रहा था फोन पे, और सिम को तो मैंने कर दिया है। तो पेटीएम वेरिफिकेशन कर लो, पेटीएम कर लो ना। पेटीएम को हमने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करा हुआ, कभी कभार बैलेंस वगैरह आ जाता है इसमें। नहीं उसमें अपना जो बैंक है ना सर, जो आपका फोन पे में बैंक है, हाँ वो बैंक लिंक कर लो ना पेटीएम में। तो उसके लिए कागज डॉक्यूमेंट वगैरह लेने पड़ेंगे, सब डालना पड़ेगा फिर से उसका। खाली वो बैंक का डेबिट कार्ड होना जरूरी है आप जी? मैं ये बोल रहा हूँ वो पेटीएम, आप उसमें नॉर्मल पेटीएम के लिए बोल रहे होंगे सर? हाँ उसमें जो आप वो जो आपका फोन पे से बैंक अकाउंट लिंकेड है ना, हाँ वो अपने पेटीएम को बैंक अकाउंट लिंक कर लो, वो आपका यूपी बोलेगा डेबिट कार्ड के लिए, वो पूछेगा आपसे, वो उसमें डेबिट कार्ड को वो डाल देना, अपना बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा आपका। कौन सा बैंक है आपका वो फोन पे से लिंक? एसबीआई का है। हाँ एसबीआई का वो आपका डेबिट कार्ड पूछेगा, वो आप उधर आप पिन बना लेना अपना। हाँ इस पे थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा। नहीं तो घर में कोई दूसरा फोन पे पेटीएम नहीं है क्या? नहीं दूसरा नहीं है कोई भी। और आपके मिसेज के पास नहीं है कोई नजर की? मिसेज के पास नहीं है, मिसेज को हमने ऑनलाइन का कुछ दिया ही नहीं हुआ, गड़बड़ कर देती है, तो मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। हाँ तो आप ये एसबीआई का योनो ऐप यूज करते हो क्या सर?
नहीं एसबीआई यूनो भी वो बंद हो गया, बीच में हमने यूज किया था। इस समय कहिए तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दूं। सर एक्चुअली मेरे पास में ना मैं ये बोल रहा है, आपने बोला होगा सर, मैं ये आर्मी स्वाइप मशीन से क्रेडिट कार्ड से डाल रहा है पेमेंट सर, तो उसमें ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑलरेडी इधर 6000 एड मनी कर दिया है सर ने, तो मैं ये बोल रहा है कि आप यूनो एप यूज करते हो पहले एसबीआई का? पहले यूज करते थे, अब बंद कर दिया उसको, बीच में लॉग इन कर दिक्कत था उसमें। तो पेटीएम से अपना एसबीआई का बैंक अकाउंट लिंक कर लो ना, उसमें कितना टाइम लगेगा सर? एक्चुअली मैं थोड़ा घर से अलग हट के बैठा हुआ हूँ ना, घर तो फैमिली वगैरह है और मैं थोड़ा इधर निकल के बैठा हुआ हूँ, तो अभी तो घर जाएंगे तो घर बंद ही आएंगे आके। राजीव जी ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर, इसमें आप लोगों को पता है कि हम लोगों को आर्मी वालों को 30% HR मिलता है सर, ये 6000 में ये पेमेंट पेंडिंग हो जाएगा, और इनका ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी स्वाइप मशीन में डाला हुआ है सर। वो तो है लेकिन जब ट्रांजेक्शन ही कम्प्लीट नहीं होगा तो खुद ही कट हो जाएगा सर, ये तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना सर, ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डाले तो सर। अभी जो आप जिसमें गूगल पे में आप कर रहे हो सर, हाँ तो फिर 11100 से लो बैलेंस रहेगा ना, मेरे कार्ड से पेमेंट नहीं जाएगा सर, मेरा मर्चेंट अकाउंट। हाँ आपके अकाउंट में 11100 से लो बैलेंस रहेगा ना सर राजीव जी, तो मेरे कार्ड से पेमेंट नहीं क्रेडिट होगा आपके अकाउंट को? नहीं तो आप अगर 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 गूगल पे कर सकते हैं, गूगल पे में आप एक बार गूगल पे में चेक बैलेंस करो, आपके गूगल पे में अगर 11100 से लो बैलेंस रहेगा ना सर राजीव जी, तो मेरे कार्ड से पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा आपके गूगल पे से। तो ऐसे तो मेरा दोनों ही जो अकाउंट है ये, इसमें तो 1000 रुपए से कम का बैलेंस है मेरे दोनों में। क्या बोल रहे राजीव जी? दोनों ही जो अकाउंट है मेरे, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, दोनों में 1000 से कम ही बैलेंस है। अरे 1000 से कम बैलेंस है क्या? हाँ दोनों में। अरे सर वो इसीलिए तो पेमेंट नहीं जा रहा, 1000 नहीं 11100 रुपए होना जरूरी है, मेरा मर्चेंट अकाउंट है ना सर, तब आपका अकाउंट है मेरा अकाउंट मैच कहेगा, तभी तो ये मेरे कार्ड से पेमेंट डेबिट नहीं हो रहा है, आपको क्रेडिट नहीं हो रहा है सर। हाँ तो राजीव जी आप एक काम करो, 1 सेकंड के लिए अपने अकाउंट में 11100 डाल लो 1 मिनट के लिए। अभी तो इसे बैंक में डालना पड़ेगा ना, यहाँ तो इसे पड़ ही नहीं सकता। अरे सर राजेश जी आपका यार फ्रेंड कोई तो होगा ना सर? अरे हमारे फ्रेंड में तो केवल हम ही यूज करते हैं ये चीज़ है, या चलिए अभी नहीं हो पा रहा है तो कल ही करिए फिर, और क्या सर एक्चुअली ये तो ये फिर पेमेंट तो फंस जाएगा ना राजेश जी। पेमेंट जब आया ही नहीं है तो उसमें फंसने को सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक ट्रांजेक्शन कम्प्लीट ना हो। एक सेकेंड आप चेक करो, मेरी फोन चेक करो, ये आपका अकाउंट नंबर है कि किसी दूसरे का है? नहीं अकाउंट तो मेरा ही है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब मैं दोनों अकाउंट 4-5 साल चला रहा हूँ तो मेरा ही अकाउंट है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी इधर से 6000 ये एड मनी कर दिया है सर आपको ना, तो प्लीज 1 मिनट के लिए अपने किसी यार फ्रेंड से ना आप अपने अकाउंट में 100 रुपए डलाओ इसमें गूगल पे वाले में, तब मेरे कार्ड से पेमेंट क्रेडिट होगा आपको। मेरा तो मर्चेंट अकाउंट है, तभी तो नहीं जा रहा है आपके अकाउंट को, आपका तो जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया सर, इसीलिए तो आपका अकाउंट और मेरा अकाउंट मैच नहीं कर रहा सर। हाँ इसलिए, हाँ वही मैं बोल रहा है। मेरे फ्रेंड के पास किसी पास भी नहीं है फोन पे वगैरह? क्या सर? मेरे फ्रेंड के पास फोन पे वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी सी शॉप है और घर अपना, बस वही शॉप पे करता रहता हूँ काम अपना। नहीं सर मैं ये बोल रहा, तुम्हारा कोई भी फ्रेंड या कोई भी होगा तुम्हारा 1 मिनट के लिए डला लो, और फिर जैसे मेरे कार्ड से पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए ना, फिर उनका पेमेंट हैंड टू हैंड रिटर्न कर देना। मैंने बताया मेरा मित्र नहीं है कोई भी,
फिर अभी क्या, ये तो फिर राजेश जी मुश्किल हो जाएगा। तो ये अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एक तरीका है भेजने का, उससे अगर आपका कलर में अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड, आप अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के लिए बोल रहे हो सर, बट इधर से 6000 तो ऑलरेडी एड मनी कर दिया है ना मैं। एड मनी भी नहीं, रिफंड हो जाएगा जब एड मनी पहुंची ही नहीं है। वो रिफंड नहीं होगा, मेरे पास में बैंक से भी मैसेज आ गए, वो भेजू क्या आपको सर? मेरे पास में डेबिट का बैंक से भी मैसेज आ गया। डेबिट आएगा तो इधर क्रेडिट भी तो होना चाहिए, इसमें तो आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हो। क्रेडिट सुनो, वो आपने व्हाट्सएप चेक किया तो वो पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग दिखा रहा है ना, पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग, लेकिन जब तक क्रेडिट नहीं होगा। उसमें आप ऐसा कर दे, ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं उसमें, जब इधर क्रेडिट नहीं हुआ हमारे अकाउंट में क्रेडिट। अरे राजेश जी मेरी सुन लो एक सेकेंड, वो पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग किस रीजन से हुआ है? मैं मर्चेंट अकाउंट से डाल रहा है ना, तो आपका तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए यार मिनिमम 11,100 आपके अकाउंट में लो बैलेंस रहना चाहिए, तब मेरे कार्ड से पेमेंट जाएगा आपके अकाउंट में। ये 11,100 रुपए रहेगा ना आपके अकाउंट को, तब मेरे कार्ड से पेमेंट जाएगा आपको 11,100 रुपए। हाँ तो नहीं, ये मैं बोल रहा है कि आप उसमें ओनली 1 मिनट के लिए डला लो किसी से भी, फिर मेरे कार्ड से जैसे आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाए ना, फिर उनका पेमेंट हैंड टू हैंड रिटर्न कर देना। देखिए हमारे इस टाइम का बैलेंस लिख के आ गया यहाँ पे, क्या भाई 166 रुपए आ गया, कुछ दिक्कत आ रही थी, 166 रुपए बैलेंस उसमें पड़ा हुआ है SBI। 166 रुपए वाले में थोड़े जाएगा भाई राजेश जी, तो एक में 166 पड़ा हुआ है, एक में 200 के आसपास पड़े हुए हैं। क्या एक में भाई दूसरा जो गूगल पे है 200 रुपए बैलेंस है, इसमें 166 रुपए बैलेंस है। हाँ तो उसमें नहीं जाएगा ना भाई, मैं मर्चेंट अकाउंट से डाल रहा है ना, तो इसका मतलब बड़ा मुश्किल है कराना, और ना ही मेरे पास ऐसी क्षमता है कि हम मतलब इसमें अभी मतलब करा दे, मेरा पैसा फंसा हुआ चल रहा है। क्या बोल रहे हो? इस समय मेरी क्षमता है नहीं, मतलब किसी से हम करवा लें, और बैंक में भी जाके हम कहते हैं इतना पैसा नहीं है कि हम बैंक में 10-11 हजार रुपए जमा कर दें। तो सुबह मॉर्निंग में करा देना आप बैंक में जाके। नहीं नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है बैंक में जमा करें, हमारे एक्चुअली में जो हमारे रनिंग अकाउंट चलता रहता है वो यही है। कभी किसी कस्टमर ने पेमेंट कर दिया वो निकाल के खर्च कर दिया, बस ये है भाई, ये तो कराना पड़ेगा आपको। तो तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड शेयर कर दो तो मेरे को, ओके। तो दोस्तों यह थी मेरी साइबर फ्रॉड से हुई बात, जो कि साइबर क्राइम करते हैं और आपको ऑनलाइन ठगते हैं, उसे लेकर उन्होंने मुझे भी ठगा। लेकिन आपको पूरी बात अगर नहीं समझ में आई हो या आपने पूरा वीडियो ना देखा हो तो आप संक्षेप में सुन लीजिए अक्सर में हुआ क्या था। दोस्तों मैंने अपने ओलेक्स पे एक विज्ञापन डाला था अपने मकान के किराए के लिए, और जिसमें मैंने 6000 रुपए का रेंट निर्धारित किया था, और वहीं से किसी ने मेरा नंबर लिया, और उसके बाद उनकी कॉल आई थी कि ठीक है मैं आपका रूम लेना चाहता हूँ, और आप मैं आर्मी से हूँ और बॉम्बे से बोल रहा हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, लेकिन आपका रूम हमें अच्छा लगा, पसंद आया, जैसा कि आपने वीडियो में पूरा सुना होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा एडवांस से पेमेंट देने की इच्छा जताई, मैंने कहा चलो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद बुकिंग तो हो ही जाएगी। और उसके बाद उन्होंने अपना एक बारकोड दिया कि आप इसमें ऐसा करिए कि मैं आपके अकाउंट में 1 रुपए भेजता हूँ, लेकिन उन्होंने बारकोड अपना दिया, और मैंने भी अपने पेटीएम और गूगल पे उस पे जाकर उस बारकोड को स्कैन करके 1 रुपए भेजा, लेकिन ट्रांजेक्शन डिसक्लेन हो गया। इसमें हुआ क्या था, उन्होंने बारकोड जो दिया था हमें रॉन्ग बारकोड दिया था, और मैंने 1 रुपए का पेमेंट जो इधर से भेजा था वो डिसक्लेन हो गया, लेकिन उनके बदले में उन्होंने फ्रॉड ने क्या किया, अपने दूसरे मोबाइल से पेटीएम से 1 रुपए भेज दिया। मैंने सोचा अरे ये तो मैंने 1000 रुपए अपने पास से 1 रुपए तो अपने पास से भेजा, और मेरा तो ट्रांजेक्शन डिस्क्रीन हो गया और उधर से 1 रुपए आ गया। और उसने बोला भी यही कि ये मेरा आदमी स्वैप मशीन है, इसके कारण ये मतलब इस तरीके से मैसेज आपको पता आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, और आपका ट्रांजेक्शन डिस्क्रीन होगा और उधर से 1 रुपए आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने वो बारकोड ना देकर एक दूसरा बारकोड दिया जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि इस पे आप में इसी तरीके से आप 6000 रुपए आप इसमें पेमेंट भरिए और पिन नंबर अपना डालिए, और उसके बाद जैसे ही
आप भेजेंगे और आपका ट्रांजेक्शन डिस्क्रीन हो जाएगा और आपके अमाउंट में आ जाएगा। वो तो बाई चांस है दोस्तों, मेरे जो जिस अकाउंट का मैंने यूज किया था उसमें मेरा 6000 से कम बैलेंस था, लगभग 5000 करीब था। अगर मेरा बैलेंस 6000 से ऊपर का कहीं होता तो मेरे पैसे कट जाते। तो दोस्तों ये लोग करते ऐसे ही हैं कि पहले तो आपको है कि एक राउंड बारकोड देंगे और वो ट्रांजेक्शन डिस्क्रीन होगा आपकी तरफ से, 1 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि इसी तरीके से पैसा आता है। और दोबारा में वो अपना सही बारकोड देंगे, अगर आपके अकाउंट पैसा हो तो इसके आपके अकाउंट में खाली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं तो 6000 का नुकसान होने से बच गया, लेकिन किसी का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों सावधान रहें। थैंक यू।